हाय गाइस, मीर खान चैनल फ्रॉम दुबई। कैसे हैं गाइस? ठीक है जी। आज मैं वीडियो बना रही हूँ, इसका टॉपिक है पाकिस्तान, मीनारे पाकिस्तान में जो हादसा आशा अकरम के साथ हुआ उसके बारे में बात करने के लिए। तो प्यारे व्यूअर्स, देखें आज 9वीं मुहर्रम है और 10वीं की रात शुरू होने वाली है और ये वाकया जो है 14 अगस्त को पेश आया, मुहर्रमों वाले दिन, मुहर्रम के दिन, पहले मुहर्रमों वाले दिन। तो देखें इनको जो है ये यजीद से कम है जिन्होंने ये आज इस वाकये में 10 दिन लोगों के कारोबार बंद हो जाते हैं, लोग सोच मनाते हैं, खाना पीना अच्छा छोड़ देते हैं, पहनना छोड़ देते हैं, हर चीज का इंतजाम करते हैं। तो ये क्या यजीद है? 400 लोग जो है जिन्होंने मिल के आशा अकरम को उसके साथ जो भी सलूक किया वो क्या करना चाहिए था? मीनारे पाकिस्तान में इस्लामी मुल्क जमहूरिया पाकिस्तान हमारा, उसके झंडे के नीचे, मीनारे पाकिस्तान के साए के नीचे जो हरकत हुई क्या वो होनी चाहिए, होनी चाहिए थी? प्लीज आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये वाकई तो आए रोज खरा हो रहे हैं। ये जो है पाकिस्तान है इमरान खान का, और इमरान खान का ये है कि ये इस्लामी मुल्क है, रियासत मदीना। तो ये सब कुछ रियासत मदीना में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा, रियासत मदीना में हो रहा है। क्योंकि जब से इमरान खान आए हैं इनका यही काम है, ज्यादतियां बच्चों के साथ बढ़ गई हैं, लेडीज के साथ बढ़ गई हैं, कहीं मोटरवे केस वाला वाकया हो रहा है, कहीं मस्जिदों में बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, पुराने पाक इलाकों के साथ उनको फांसियां दे रही हैं, मदरसों में बच्चे महफूज नहीं है, हर जगह पे जो है बच्चे क्या बड़े क्या औरतें क्या मर्द कोई भी महफूज नहीं है, किसी जगह पे भी कोई महफूज नहीं। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, पहले फिर भी था, नवाज शरीफ डाकू था, शहबाज शरीफ डाकू थे, तो क्या था उनके दौर में कम से कम ये सरेआम तो नहीं हो रहा था। अब तो सरेआम, और इतने वाक्य हुए हैं, किसी को सरेआम फांसी नहीं हुई, इस्लाम के मुताबिक नहीं हुई, कोड़े मार मार के नहीं हुई, किसी को इस्लाम के मुताबिक फांसी नहीं, आज अब इस्लाम के मुताबिक फांसी नहीं हुई, इस्लाम के मुताबिक सजा नहीं मिली, इस वजह से ये सारे वाक्य हो रहे हैं। अगर इस्लाम के मुताबिक किसी को मिलती सजा, किसी को फांसी होती, किसी को कुछ होता, तो जो है वो उसको ये काम ना होते, उनको सजा उसके मुताबिक मिलती, कानून के मुताबिक मिलती, शरीयत के मुताबिक मिलती, जो तो ये ना होते। स्टार्टिंग में सोशल मीडिया उठाता है ये सवाल और जो है उनके मुताबिक ये 2-4 दिन, जिनको पता होता है कि 2-4 दिन में पर्चे के ऊपर ये दफा लिख दें तो इतने लोगों को अंदर डाल दें, तो बाद में जो सोशल मीडिया चुप, तो सारे हुक्मरान चुप। ये जो उस्मान बुजदार साहब है, ये उस्मान बुजदार नहीं, उस्मान बुजदिल है, उस्मान बुजदिल है, क्योंकि जब से ये आया है तब से इतने क्राइम हो रहे हैं। ये अगर बुजदार होता तो इसके दौरे घूमने में कोई अच्छा काम होता, ये उस्मान बुजदिल है। जो करप्ट थे पीपल पार्टी के लोग, वो इमरान खान उठा के अपनी जमात में लेके आया, और जो मुस्लिम लीग थे वो इसके अपने लोग कितने, इसके अपने लोग कितने, ये तो बताए ना, मुझे जवाब दे। हमारी रियासत में हो रहा है, हम लोग दुबई में रहते हैं, यकीन करें कि सर से नंगे हैं, बाल खुले हैं, मेकअप है, कोई किसी, इतने कंट्रीज के यहाँ पे लोग हैं, कोई किसी की तरफ देखता नहीं, पहली नजर तो जाहिर बात है किसी ने देखनी है, लेकिन वैसे कोई नहीं आके हवस भरी निगाह से किसी ने देखना है या इस तरह किसी ने सरेआम ज्यादती करनी है या इस तरह की, कोई भी नहीं है। हमारे एक महीने में तकरीबन 3 दफा हमारा दरवाजा अंदर से लॉक नहीं हुआ, हम लोग भूल गए, लेकिन हम लोग सुबह इंशा अल्लाह के हुक्म से उठे हैं, उठे हैं और सेफ उठे। ये दूसरा, यहाँ पे एक कमरे का घर होता है, अप्लाई के रूम होते हैं कि एक कोई हल्की सी टांग भी मार दे तो दो दो टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी इतनी है, यहाँ की हुकूमत इतनी मजबूत है। अगर जो है नवाज शरीफ ज्यादा करप्ट था तो उसके दौरे हकीमत में ये काम सरेआम क्यों नहीं हुए, अब क्यों हो रहे हैं? मोटरवे पे हो रहे हैं, मोटरवे महफूज नहीं है, बच्चियां घरों में महफूज नहीं है, यह रियासत मदीना का हाल है, ये हमारे पेरेंट्स की भी ये दीन से दूरी है और तालीम से दूरी, दीन से भी दूरी का नतीजा है और तालीम से भी दूरी का नतीजा है। और हमारे जो हैं, हम पेरेंट्स जो हैं, हमारी तरबियत में भी फर्क है,
तरबियत भी अच्छी होनी चाहिए, जो उनको सिखाना चाहिए कि अपनी बहनों के साथ जैसा सलूक करते हो ऐसे ही बाहर जो जो अपनी माँ की नजर है, लिए नजर है वही बाहर करें आप। ठीक है, पाकिस्तान में जो बच्चा जवान हो जाता है थोड़ा, उससे माँ भी डरने लग पड़ती है, बाप भी डरने, वो सबका हुक्मरान हो जाता है, वो जो है वो आप लोगों का हुक्मरान नहीं हुआ। बच्चा बच्चा अभी छोटा है, 15-16 साल 20 साल की एज, 22-25-30 साल की एज में आपने उसका हुक्मरान रहना है, बजाय इसके कि वो आपका हुक्मरान हो जाए। जी बेटा है, कहीं पे बहन ने जाना है तो भाई की मर्जी से जाना है, कहीं पे माँ ने जाना है तो बेटे की मर्जी से जाना है। जी बेटे से पूछ के लिए कर लो काम, बेटे से मशवरा लेना चाहिए, लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए कि जिसमें वो हुक्मरान हो। और पूरी जब वो अपने घर की रियासत में हुक्मरान हो जाता है तो वो समझता है कि मैं दुनिया में भी हुक्मरान हो गया। प्लीज अपने अपने घरों में के माहौल सही करें, अपने बच्चों की तरबियत सही करें, अपने आस पास के लोगों का ख्याल रखें, जिसकी वजह से अगर हमारा घर महफूज है तो बाहर वाला महफूज है, हम महफूज है ना, हमारे घर की बच्चियां महफूज है तो बाहर वालों की महफूज, अगर बाहर वालों की महफूज नहीं है तो हमारे कभी भी महफूज नहीं है। ये 14 अगस्त का दिन है जिस दिन में ये वाकया हुआ है, 400 आदमी और 800 आंख, 400 दिल, 400 जिगर ने ये वाकया देखा किया। ठीक है, उनमें कुछ होंगे बेचारे जो उसका बचाव भी कर रहे होंगे, लेकिन 400 वैष्णो के सामने दो चार लोग या वो बच्चा जिसने ये उस आशा कर्म को पानी पिलाया, आशा कर्म का कहना है कि मैं बिल्कुल उस टाइम मैं बिल्कुल बुरी हालत में थी, जब उस बच्चा अगर मुझे पानी ना पिलाता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। उस बच्चे को सलाम है, उस बच्चे की माँ को सलाम है कि जिसने इतने लोगों के हजूम में उस विचार की है कि उसकी मदद की। तो आयशा अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके, मैं दुबई में बैठी आपके लिए इत्तेजाज कर रही हूँ और आज वीडियो बना के आपके लिए ये अपलोड करूँगी, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने हिम्मत रखना, अपने अंदर हौसला रखना और अपने बाजुओं में ताकत रखना इन दरिंदों से लड़ने की, इन दरिंदों से लड़ने की, उनसे अपना जो है वो अपने जुर्म का बदला लेने की जो इन्होंने आपके साथ जो आपने बहुत अच्छी बात की, कुरान लेसन के सामने बैठे हुए थे और शामीम भाई भी, कि मेरे साथ जो हो गया अब मैं बाकी बच्चों के साथ हुई है ना, वाकई आपने बहुत अच्छी बात की। सोशल मीडिया पे आना कोई बुरी बात नहीं है, टिकटॉकर बनना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन जो इन लोगों ने किया, अब जो इन लोगों ने किया इनकी अगर इनको सरेआम अगर वो जो है वो फांसी कपड़ों में आई है या ऑफलाइन किस कर रही है, तो इन लोगों ने जो किया फिर इनके साथ भी सरेआम वही होना चाहिए ना, या इनकी जो इन लोगों ने किया फिर इनकी माँ बहन के साथ भी तो ऐसे ही सलूक होना चाहिए ना। इनकी माँ जिन लड़कों ने जिन आदमियों ने ये गलत काम किया फिर उनके अगर उस आशा के ऊपर इतना ब्लेम हो रहा है तो फिर इनके ऊपर भी जो इन्होंने किया इनकी माँ बहनों के साथ भी तो ऐसा होना चाहिए सरेआम, या इनको सरेआम फांसी दी जाए या इनकी माँ बहनों को बुलाकर उनके साथ ऐसा सलूक किया। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।